पहले तो मैं भगवान का और अपनी मम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अजमल फाउंडेशन में भेजा और मुझे किसी भी पर्सनैलिटी व किसी भी वर्कशॉप में इतना इंटरेस्ट कभी भी नहीं था और इन सब में मुझे कभी भी इंटरेस्ट था ही नहीं और स्टेज में जाना तो मेरे लिए बहुत मतलब क्यों जाऊँ मैं, मुझे जाना अच्छा ही नहीं था, मुझे बहुत डर लगता था बहुत और सर की वजह से मैं बहुत भगवान का अल्लाह का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर भेजा कि मैं सर का वर्कशॉप अटेंड कर पाई। सर मेरे लिए तो क्या बोलो, अभी सर 5 दिन से यही सोच रही हूँ कि सर चले जाएंगे तो कैसा लगेगा। सर ने हमेशा इतना इंकरेज किया है और सर इतना मोटिवेट करते हैं, कोई अपना भी शायद ऐसा नहीं करता होगा। सर हमें जो कहानियाँ सुनाते हैं, जो बोलते हैं ना सर के रियल लाइफ के बारे में, मेरे भी डैडी नहीं है, मैंने तो उनको बहुत बचपन में मैंने उनको खो दिया था, तब से मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है। मैं कभी भी सर को नहीं भूल सकती, सबको भूल सकती हूँ लेकिन सर को कभी नहीं भूल सकती मैं, कभी नहीं। सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर लूँगी। सर ने इतना मतलब बूस्ट कर दिया आप सबको, जहाँ भी जाऊँगी जितना भी जाऊँगी सबको बोलूँगी सबको सिखाऊँगी। सर मैं कैसे अदा करूँ शुक्रिया अदा, मुझे पता नहीं, मुझे लगता ही नहीं मैं कि कर सकती हूँ, जितना भी थैंक यू बोलूँ बहुत कम होगा मेरे लिए।